अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी यू बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो कैंपस में होंगे या लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, ऑनलाइन एम सी क्यूज़ होंगे। ठीक है, तो जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि 90% चांसेस यही है कि इस बार जो है एग्ज़ाम जो है वो ना हो और इसके बदले ऑनलाइन कर दो। ठीक है, तो इसमें यह है कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के पास अभी टाइम है, सिर्फ आखिरी दिन रह गया वो भी आज का। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कोर्सेज जो हैं वो मुश्किल रखे हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि अभी आप यहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है मिडटर्म एग्ज़ाम जो है वो आपका जून 19 है, यानी 19 जून 2021 को आपका मिडटर्म एग्ज़ाम है। और अगर आप अभी की बात करें तो अभी चल रहा है अप्रैल मई जून, यानी मुश्किल से एक महीना है। और आपको जो मालूम है कि अभी भी लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से चांसेस ज़्यादा ही हैं कि आपके जो मिडटर्म है वो आपका ऑनलाइन ही हो। लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि ऑन द स्पॉट माइट पॉसिबल है कि जून में आपके एग्ज़ाम सेंटर में हो जाए, लेकिन चांसेस जो हैं वो ज़्यादा यही हैं। एक रिस्क है इसमें, लेकिन चांसेस जो हैं वो 90% ज़्यादा ही हैं, क्योंकि कुछ आपके सामने। तो इसमें मेरे ख्याल से बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप लोग अभी कोर्सेज सिलेक्शन में जाके, अभी आपके पास एक दिन मौजूद है कि आप जाके यहाँ पे मुश्किल कोर्सेज उठा लें। तो मैंने भी अभी यही किया कि कोर्सेज सिलेक्शन की आखिरी डेट है, तो मैंने भी सारे जाके यहाँ मुश्किल उठा लिए, ताकि यही कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दो मैथ के हैं। वैसे तो हमारे सेमेस्टर में एक लेता हूँ मैथ का, लेकिन ये मैं दो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैथ का। तो यही वजह है कि ताकि आसानी हो जाएगी, मिडटर्म में ऐसे ऑनलाइन कोर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और तो टेंशन भी नहीं होगी। 6 से 7 कोर्सेज, जितने ज़्यादा कोर्सेज आप उठा सकते हैं उठाएँ, क्योंकि माइट भी पॉसिबल ये है कि ये आखिरी चांस हो, इसके बाद ऑनलाइन मिडटर्म कोर्स ना हो, ऑनलाइन आपका मिडटर्म कोर्स ना हो। क्योंकि दो मरतबा ये हो चुका है मेरे ख्याल से, लास्ट 2 सेमेस्टर में तो ऑनलाइन हुआ ये। ठीक है, तो समझ लें आपके पास ये आखिरी चांस है, तो अच्छा मौका है। तो चांसेस ज़्यादा देखें, कुछ भी हो सकता है एंड टाइम पे, क्या पता है कि आपका एक सेंटर में हो जाए। लेकिन आप खुद देखें कि अभी जिस तरीके से हालात हैं, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, उसमें चांसेस ज़्यादा यही है कि 90% जो है आपके ऑनलाइन क्विज ही हों। तो उसमें बेहतर यही है कि आप लोग से गुजारिश है कि, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा कि वो मुश्किल कोर्स नहीं उठा रहे, इजी कोर्सेज उठा रहे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग मुश्किल कोर्सेज उठाएं। कोर्स ऑप्शन है आप उतने उठाएं, अगर किसी को 4 का ऑप्शन है तो 4 उठाएं, अगर किसी को 6 का ऑप्शन है 6 उठाएं, यानी कि जितनी इसके पास ज़्यादा की लिमिट है वो उतनी ज़्यादा उठाएं, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद आकर आप लोगों को गाइड किया जाए कि आप लोगों ने कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं इस कंडीशन में। ठीक है, क्या आपके एग्ज़ाम सेंटर में होंगे या नहीं, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा कर लें कि आपके आसपास कैंपस में क्या लगता है आपको। अगर आप कमाइंड क्या है नहीं है, ऑनलाइन चांसेस के ज़्यादा हैं, तो फिर आप मुश्किल कोर्स सेलेक्ट कर लें, तो यही बेहतरीन ऑप्शन है, वरना फिर आपकी मर्ज़ी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।